वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला ब्रह्मा कॉलोनी कुरुक्षेत्र ने अपना 18वां वार्षिकोत्सव समारोह आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लायंस क्लब कुरुक्षेत्र के प्रधान दीपक चोपड़ा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सचिव आशीष मल्होत्रा ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी धीरज गुलाटी और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ अध्यक्ष हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा रहे। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा माला अर्पण करके किया गया। आए हुए अतिथियों का परिचय विद्यालय गतिविधियों से अवगत विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने करवाया। मंच का संचालन विद्यालय आचार्य शिवानी शर्मा ने किया। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ही सुंदर व अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि दीपक चोपड़ा ने कहा कि वात्सल्य वाटिका एक ऐसा नाम जिसको सुनकर सच्चे विचार आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे यहां आकर काफी अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, मन खुश होता है। मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर उन पर कृपा करते हैं जो समाज को उन्नति के मार्ग पर पहुंचाते हैं। विद्या का क्षेत्र में हम अभावग्रस्त बच्चों को आगे बढ़ाएं, परिवारों को शिक्षित करें, अभावग्रस्त बच्चों की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा उन्हें दिलवाएं। व्यक्ति स्वरूप है ईश्वर का, छात्रों को शिक्षा देंगे तो ईश्वर की सेवा होगी। स्वामी हरिओम दास प्रयोजक के माध्यम से समाज के अनेकों बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर हर रोज कन्या पूजन हो रहा है। आधुनिक युग में भी बच्चों को स्वामी जी के साथ एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। कार्यक्रम के अध्यक्ष धीरज गुलाटी ने कहा कि वात्सल्य वाटिका अपने नाम को सार्थक करती है, अंधकार से लड़ने का संकल्प लेती है और फिर वो आगे बढ़ता है। मैं 2005 से स्वामी जी के साथ जुड़ा हूं और बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं ये स्कूल किसी मॉडल स्कूल से कम नहीं है। इसलिए उन्होंने सभी से विनम्र निवेदन किया कि तन मन धन से इस आश्रम से जुड़े और समय समय पर आकर देखें कि जितना भी समर्थ हो सकता है उतनी वाटिका के बच्चों के लिए काम करें, क्योंकि सभी बच्चे प्रतिभाशाली हैं, इनको थोड़े से साथ की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि आप इस महान यज्ञ में अपनी आहुति डालें। वहीं एसपी कौशिक ने कहा कि यहाँ ऋषि मुनि का देश है, यहाँ सारी शक्तियां हैं, परमात्मा का अंश है। आप चाहे तो देवता बन सकते हैं, आप चाहे तो राक्षस बन सकते हैं। सोचने की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विद्यालय परिवार की तरफ से आए हुए अतिथियों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में आभार वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक हरिओम दास प्रयोजक ने किया। कार्यक्रम का अंत राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस अवसर पर दीपक चोपड़ा मुख्य अतिथि जहां कार्यक्रम में मौजूद रहे, वहीं उनके साथ साथ ट्रस्ट के प्रधान ओम प्रकाश मित्तल, सचिव ओम प्रकाश गेरा, कोषाध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह, राजकुमार सैणी, खरातीलाल सिंगला, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष राकेश मेहता, सुरेश कुमार कोषाध्यक्ष शिवदत्त, शिक्षाविद सोमदत्त, महिला प्रतिनिधि अनीता रानी, विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, अनिल कुल श्रेष्ठ प्राचार्य श्रीमद भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुमन बत्रा, डॉक्टर विजयदत्त शर्मा, रामनिवास बंसल, सतवीर सिंह, सतपाल शर्मा, बलबीर सिंह, सुखबीर चंद शर्मा, मनोज, विद्यालय आचार्य परिवार, सोनिया अग्रवाल, शिवानी शर्मा, विजय लक्ष्मी, पूनम सरूजा, प्रविंदर कौर और सेविका कर्मचारी रेणु यादव और अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे।